हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पूनम की दुनिया में। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और सारा नाश्ता वाश्ता खाना वाना बन चुका है और ये यहाँ पे पति देव हो रहे हैं रेडी जाने के लिए। और ये देखो हमारी अक्षु खेलने लग रही है और सारी का भी देखो छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं, समर वेकेशन हो गई हैं। तो जब से छुट्टी पड़ी है कल से ही इसने लट लगा रखी है कहाँ लेके जाओगे। बस अभी एक दिन हुआ नहीं छुट्टी का और इसका शुरू हो गया कहाँ लेके जाओगे। तो ये देखिए हो रहे हैं यहाँ पे रेडी हो गए हैं, शूज़ पहने, नाश्ता वाश्ता सब कर लिया है। हेलो तो बोल दो। हेलो। अच्छा अपनी लैंग्वेज बोल के दिखाना। अब अपनी लैंग्वेज कौन बोलता है यहाँ, बोल ये तो गांव गु में बोलते थे पहले। फ्रेंड्स इनके ना लैंग्वेज में सुनाती हूँ, मेरे को तो आती नहीं है, ये बोल के देखेंगे। हेलो गाइस, बोलना कैसे हो आप सब लोग। अब यह है मेरी बहू और ये है मेरे बालक। ये शहरा में कौन बोल रहा है या बोली, बस ये वीडियो वाडियो बनाते रहे हैं पूरे, ना कोई समझता ना कोई बोलता। इस मारी ये सब बोलन बालना छोड़ दिया, ये साफ सुथरी जिंदगी बितावा, ये चलता रहे। अरे यार रिकॉर्ड भी कर लिया कभी कभी बीच में। अच्छा, और सुबह सुबह और सुबह सुबह मैं निकट जाऊँ या रह जाए घर पर। ये मेरी छोरी, तो या कई दिन हो गए इसमें मेहनत करते, तो आप लोगों का घना सपोर्ट मिल रहा, थोड़ा बहुत और सपोर्ट मिल जाएगा, थोड़ा प्यार तो बढ़ जाएगा, चैनल और बनाने लग जाएंगे। दूर वाले हैं, दूर वाले। आज हम दोनों ने मैचिंग मैचिंग पहनी हुई है। ओ, मेरी टी शर्ट और तुम्हारी शर्ट एकदम मैच हो रही है। दूसरा मैच हो गया, एकदम मैच हो रही है। ये वाला वो मैच नहीं था। अच्छा एकदम शर्ट मैच हो रही है। इसका मैच है, शर्ट तो दूसरा चला गया। आप अभी नहाओगे धोओगे। तो फ्रेंड्स ये देखो ये पहन रहे हमने शूज, अब ये जा रहे हैं और उसके बाद अभी काम कुछ नहीं हुआ है, बस मंदिर वाले रूम का किया है और इन्होंने पूजा वूजा कर दिया है, अब ये जा रहे हैं बस। बाकी का सारा आप मैं काम करूँगा, नाश्ता इन्होंने कर लिया, अभी अपने लिए नाश्ता बनाना बाकी है, ये चले जाएंगे, अब मैं अपने लिए नाश्ता वाश्ता बनाऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स अभी हस्बैंड जी जा रहे हैं और धूप देखो कितनी तेज़ हो रही है आजकल, धूप सुबह सुबह ही इतनी तेज़ निकल आती है, लगता है दोपहर हो गया जैसे। और उसके बाद मैं इधर आ गई थी अंदर, तो अभी अक्षु खेल रही सारिका के साथ, उसको बिठा के आई थी, सारिका से बोला था उसका ध्यान रखना। इधर मैं आ गई थी अपना नाश्ता बनाने के लिए और इधर मेरी कढ़ाई हो रही थी गर्म, जब तक जो मैंने सुबह दाल बनाई थी वो मैं कढ़ाई अपनी खाली करने लगी थी अभी। और इधर मेरा नाश्ता भी बन गया है फ्रेंड्स, तो आप भी नाश्ता कर लीजिए। तो हस्बैंड जी को भी बना के मैंने करके भी गए हैं और शाम के लिए भी मैंने उनको बना के दे दिया है चाय से, क्योंकि उन्हें भूख लगती है शाम को तो कुछ खाने को नहीं होता है। और इधर ये मेरी दाल बनाई थी सुबह, तो मैंने डोंगे में डाल के रख दिए। और ये सारे ये देखो किचन सारी भी मेरे बर्तन वगैरह सब धोने को पड़े हैं, तो पहले करेंगे हम लोग नाश्ता और उसके बाद है बाकी किचन का जो काम करेंगे। तो अभी मैं जा रही थी सारिका के लिए ले करके, तो इधर देखो ये सारिका अक्षु यहाँ टीवी देख रहे हैं बैठे, तो अभी मैं सारिका को दे देती हूँ। तो सबसे पहले इधर मैं बचाऊँगी बेडशीट जो मैंने अलग से बना रखी है खाना खाने के लिए, क्योंकि ऐसे ना सारिका ना हमेशा गिरती रहती है बिस्तर पे, तो बेडशीट ना जल्दी गंदी हो जाती है, इसलिए मैं अलग से ये थोड़ा टुकड़ा जो मेरी चादर का ना बेकार चादर जो वेस्ट उसमें से काट लिया था। और उसके बाद ये अभी हमने कर लिया नाश्ता, मैंने कर लिया सॉरी, अभी सारिका ने नहीं किया, सारिका को तो टाइम लगे करने में। तो इधर मैं आ गई थी अपना बर्तन ले करके और अभी मैं जा रही हूँ फिर से रूम में अपने, तो पहले बेडरूम पहले ठीक करूँगी थोड़ा सा, क्योंकि अक्षु मेरी सोएगी, तो पहले मैंने अपना बेड जो है क्लीन कर लूँगी और उसके बाद लगाऊंगी अपने बेडरूम में झाड़ू, क्योंकि अक्षु मेरी सोएगी, क्योंकि सुबह से उठती है ना खेलती रहती है थक जाती है, तो इस टाइम वो ना थोड़ी देर सो जाती है। तो नाश्ता वगैरह कर लिया है और उसको भी मैंने थोड़ा खिला पिला दिया, दूध वगैरह पिला दिया, तो अब मैं उसे सुलाऊंगी और उसके बाद जो है बाकी के काम करूँगी। तो यहाँ पर अभी आ गई थी मैं झाड़ू लगाने के लिए, सारी काका देखो अभी तक नाश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, ये बहुत देर लगाती है खाने में। और उसके बाद मैंने अपनी अक्षु को सुला दिया है, तो ये देखो कितनी मज़े से सो रही है और सारी का देखो यहाँ टीवी देख रही है। अक्षु जो है हमारी सो गई है और अभी मैं करूँगी जल्दी जल्दी से सारे काम जो है अपने, अंदर वाले रूम में मैंने झाड़ू पहले लगा दिया क्योंकि उसके सोने के बाद फिर मैं लगा नहीं पाती हूँ, तो अभी मैं बाहर वाले रूम में सब में झाड़े वोड़े लगाना है और देखो किचन वगैरह जो है मेरी सारी क्लीन करनी है अभी, तो चलिए मैं जल्दी से कर लेती हूँ ये सब क्लीन अप। और उसके बाद मुझे धोने आज बहुत सारे कपड़े, ये देखो ये मेरे कपड़े ये भरे हुए हैं,
ये सारे कपड़े धोऊंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, और आप लोग बने रहना हमारी वीडियो में एंड तक। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे आए हो तो वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो नहीं पसंद आए तब भी कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। तो जल्दी से कर लेते हैं अपना काम, आप लोग बने रहना। फ्रेंड्स ये देखिए मेरी अक्षी उठ गई थी, और मैंने इसको भी नहला दिया, नहला के ले आई हूँ मालिश करके, और सायका भी नहा रही है, और मेरे कपड़े धुल रहे हैं, मशीन लगा दिया है, और अभी मेरे को बेडशीट भी चेंज करनी है, बेडशीट भी हटाऊंगी। ये देखिए यहाँ पे मेरी मशीन जो है लगा दी है, ये देखो यहाँ पे कपड़े इसमें धुल रहे हैं, और जब तक मैं बेडशीट वगैरह जो है अपनी चेंज करूँगी, जब तक वो कपड़े धुल जाएंगे फिर बाद में बेडशीट डाल दूँगी मैं इसमें। तो इधर अभी अक्षु जो है बेड पे बैठी हुई थी, तो उसके सारे टॉयज़ वगैरह फैले हुए थे, उन टॉयज़ को पहले मैंने समेट दिया सारे, और यहाँ सारिका जो है डांस करने लग रही है, टीवी में सॉन्ग चल रहे हैं हरियाणवी, तो उस पर सारिका डांस कर रही है। आजकल इसको ना बहुत ज़्यादा डांस करने का शौक चढ़ गया है। और यहाँ पर मैं बिछा रही हूँ अपने बेड पर बेडशीट, और अक्षु जो है यहीं पे हमारी खेलने लग रही है, और अभी सारी कभी बेड पे चढ़ के आ गई है। और फ्रेंड्स अभी जो है मैंने नहा लिया है, और मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं, बस लास्ट है जो बेडशीट पड़ी हुई है धुलने के लिए, वो धुल रही है। और इधर मेरी अक्षु जो है बार बार मेरे पास आ रही थी, मैं अपनी कॉम वगैरह कर रही थी, तो और उसके बाद ये जो ना हस्बैंड जी की ना पैंट ना धुल गई थी, मैंने निकाल के रख दी थी, तो ना इनको मैं बाल्टी में अच्छे से पानी से धो रही हूँ, उसके बाद जो है इनको ड्राई करूँगी, और उसके बाद जो कपड़े जो मेरे ड्राई हो गए हैं उनको अभी मैं आ गई हूँ सुखाने के लिए, क्योंकि ना कपड़े धुल गए थे सारे, वैसे फ़िलहाल अब सारे कपड़े धुल चुके हैं, बस सुखाने बाकी थे, सुखाए नहीं थे। और उसके बाद इधर अभी मैं कर रही हूँ सारिका की बाल कॉम, इसकी मैंने चोटी नहीं बनाई थी, और अभी अक्षु मेरे पास में बैठी है तो आवाज़ें निकाल रही है। तो फ्रेंड्स आज का टाइम का पता नहीं चला, तो अभी होगी दोपहर और हम कर रहे हैं लंच, तो आप भी कर लीजिए। इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं एंड फिर मिलते हैं।